हैं और इन फ्यूचर में अपना इंडिया का नाम रोशन करें। जयपुर के गोविंद मार्ग जनता कॉलोनी में एसजे पब्लिक स्कूल में जैन सोशल ग्रुप इंटरनेशनल फेडरेशन के उत्तरी क्षेत्र की ओर से प्रेस वार्ता आयोजित की गई। आयोजन महेंद्र सिंह ने बताया कि जीएसजी क्रिकेट प्रीमियर लीग का आयोजन 8 से 22 अक्टूबर के बीच धूमधाम से होगा। इस महोत्सव को 15 दिन का जश्न के रूप में मनाया जाएगा। इसके मुख्य आयोजक होस्ट यूनिवर्स ग्रुप और सेस आयोजक विंस ग्रुप होंगे। इस प्रीमियर लीग में कुल 108 टीमें और 1186 खिलाड़ी भाग लेंगे। इसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर के अंपायर्स का भी समर्थन होगा, जिसमें मैचों की गुणवत्ता बनी रहे। जे एस जी इंटरनेशनल फेडरेशन की नॉर्दर्न रीजन जे एस जी क्रिकेट प्रीमियर लीग का आयोजन कर रहा है, जो 8 अक्टूबर से 22 अक्टूबर 2023 को इसी एस जे पब्लिक स्कूल ग्राउंड पे होगा। ये नॉर्दर्न रीजन किस तरीके से टूर्नामेंट पिछले वर्ष 2002 से कर रहा है और ये विश्व में जैन सोशल ग्रुप इंटरनेशनल फेडरेशन के 12 रीजन्स 450 ग्रुप और 85,000 मेंबर्स के लिए नॉर्दर्न रीजन का एक सिग्नेचर इवेंट है। जेएसजी इंटरनेशनल फेडरेशन का नॉर्दर्न रीजन में इस क्रिकेट टूर्नामेंट में लगभग 108 टीमें और 1187 प्लेयर्स ये खेलेंगे। महिलाएं भी इसमें पार्टिसिपेट कर रही है। अंडर आर्म और ओवर आर्म का क्रिकेट ये मैचेस होंगे। इसमें बच्चे भी मेल और फीमेल मेंबर्स इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये 15 दिन का एक जेएसजी का एक उत्सव के रूप में हम लोग मनाते हैं। उसमें हम बंधुत्व से प्रेम की हमारा जो मेन मोटिव है उसको सार्थक करने के लिए इस तरीके से ये इवेंट करते हैं और क्रिकेट इसका एक अहम हिस्सा है जिसको हम यहाँ पे करने जा रहे हैं। हमारे बीच में हमारे नॉर्दर्न रीजन के चेयरमैन श्री महेंद्र जी सिंह भी हैं और हमारे फेडरेशन के सेक्रेटरी और इस टूर्नामेंट के चीफ कोऑर्डिनेटर श्री महेंद्र जी गिरदरवाल हमारे साथ में हैं। इस टूर्नामेंट को जो होस्ट कर रहे हैं हमारे जयपुर के 55 ग्रुपों में जो करीब 5,000 मेंबर्स हैं, उसमें से एक जेएसजी यूनिवर्स एक हमारा बड़ा एक उभरता हुआ ग्रुप है। उसके प्रेसिडेंट मिस्टर दीक्षांत हाड़ा, मिस्टर अंकुर जैन उसके सेक्रेटरी हैं, जो उन्होंने पूरे होस्ट की जिम्मेदारी दी है। एक कोहोस्ट ग्रुप में हमारे से मिस्टर नितिन जैन हमारे बीच में मौजूद हैं, जो जेएसजी विनर्स के रूप में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसमें हम लोगों ने करीब 200 लोगों की एक टीम बनाई है जो इसका प्रतिदिन जितने भी इसके इवेंट्स के जो बारीकियाँ होगी उसके लिए काम करेंगे। एक इवेंट मैनेजमेंट की टीम हम लोगों ने हायर करी है, वो उसको काम करेंगे और 15 दिन के लिए हम जेएसजी के बल्कि जयपुर में सभी समाज के लोगों को हम लोग आमंत्रित करते हैं और बिल्कुल आईपीएल स्टाइल के अंदर हम इसकी ओपनिंग और क्लोजिंग सेरेमनी करते हैं और सभी लोगों को हम लोग बहुत अच्छी अट्रैक्टिव ट्रॉफीज देते हैं। दिस इज ऑल रिगार्डिंग दी जेएसजी इंटरनेशनल फेडरेशन नॉर्दर्न रीजन जैन प्रीमियर लीग क्रिकेट मैच लीग 2023। थैंक यू। चेयरमैन महेंद्र सिंह भी जेएसजीआईएफ नॉर्दर्न रीजन 2023-25। आपको जानकारी देना चाहता हूँ, इंटरनेशनल फेडरेशन में सबसे बड़ा रीजन हमारा नॉर्थन रीजन है, जिसमें टोटल 75 ग्रुप और 16 संगनियों के साथ करीब 10,000 कपल मेंबरशिप इसमें है। और वर्ष 2023-25 में हमने हमारा कार्यकाल 1 अप्रैल से चालू किया था। 1 अप्रैल के तुरंत बाद 3 अप्रैल को हमने महावीर जन कल्याणक सेलिब्रेट करते हुए प्रथम प्रोग्राम किया। 16 अप्रैल को हमारे पूरे रीजन की शपथ और इंस्टॉलेशन सेरेमनी का कार्यक्रम हमने बहुत शानदार तरीके से किया। 25 जून 2023 को वर्कशॉप का एक कार्यक्रम हमने संचालित किया, जो हमारा एक ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है, जिसमें जितने भी हमारे ग्रुप हैं उनके जो नए ऑफिस बेयरर्स आते हैं उनका एक ट्रेनिंग सेशन होता है कि उनको 2 साल तक किस प्रकार से कार्य करते हुए अपने ग्रुपों को सुचारू रूप से चलाना है और रीजन के साथ कोऑर्डिनेट करना है। उसके बाद में अभी हमने वॉइस ऑफ जेएसजी का एक कार्यक्रम किया, जिसमें समाज की उभरती हुई जो संगीत की प्रतिभाएं हैं उनको हमने मौका दिया। करीब 85 पार्टिसिपेंट उसमें थे, उसमें से टोटल 7 सेमीफाइनलिस्ट सेलेक्ट हुए हैं, जिनका आगामी दिसंबर में हम फाइनल का प्रोग्राम करेंगे। क्रिकेट का जो इवेंट हम करने जा रहे हैं, ये 8 तारीख से 22 तारीख का जो इवेंट है 15 दिन का, ये अपने आप में एक सिग्नेचर प्रोजेक्ट है नॉर्थन रीजन का। इसमें टोटल 108 टीमें और करीब करीब 1186 खिलाड़ी पार्टिसिपेट करेंगे और ये फूड जोन वगैरह उसमें अच्छी व्यवस्थित तरीके से हम लोग करते हैं और सभी जयपुर के रहवासी जो हैं इसमें विभिन्न घटकों से आते हैं और वो पार्टिसिपेट करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग भी के माध्यम से जनता तक ये संदेश पहुँचेगा कि वो अधिक से अधिक आके इस कार्यक्रम में भाग लें।
जयपुर में जगवार सिंह ने सुरमा को हराकर जयपुर के सीतापुरा स्थित जी स्टूडियो में आयोजित रियल कबड्डी